अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। गवादर में पहली ख़वातीन थाना का इफ्तिताह। इस सिलसिले में वॉइस ऑफ मकरान से बातें करती हुई इस थाने के इंचार्ज फराह इलाही ने कहा है कि गवादर में ख़वातीन थाने की आज इफ्तिताह होने के बाद मकामी ख़वातीन के मसाइल पर हम खुसूसी तवज्जो देंगे। जी मैडम, आप ये बताइएगा कि आज आईजी बलूचिस्तान ने गवादर का मकरान का पहला खवातीन या लेडी थाना खोला है, तो इस हवाले से सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिएगा और उसके बाद हम दूसरे सवाल आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एएसआई फिजा इलाही है। मैं एज एस एच ओ जो है वुमेन थाना गवादर तैनात हूँ। मेरा जो है ताल्लुक बलूचिस्तान से है और एज ए फीमेल ऑफिसर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है यहाँ पे गवादर सिटी में वुमेन्स के जो है वो प्रॉब्लम्स और इशूज़ ज़्यादा थे, जिसको देखते हुए जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सूबा बलूचिस्तान की हुकूमत ने आई जी साहब ने मिलकर जो है ये पुलिस पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिशमेंट किया है। इंशाल्लाह ये वुमेन के लिए एक अच्छी काबिश है। चूँकि गवादर या फिर बलूचिस्तान के दूसरे जो इलाके हैं, शहर हैं, यहाँ पर नैन कबायली रवायत है और नैन कबायलियत है, यकीनन खवातीन भी इतनी लिखी पढ़ी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको किन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना होगा? तकरीबन जो है इसके ऑर्डर्स तकरीबन एक माह कबल हो चुके थे, जिसमें जो है हम इन एलोकेशन से पहले ही जो है वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि हम जो है वो अपने आप को रवानी में लेकर आए। इस हवाले से मैंने नोटिस किया है कि यहाँ लेक ऑफ एजुकेशन है, इससे जो है काफ़ी मुश्किल आती है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जब आप समझाने को आए तो समझ जाते हैं। तो इस हवाले से जो है हमने हम लोगों को बड़ा साथ दिया है। एज ए लेडी ऑफिसर उनके लिए ये ईजी रहा है कि एक खातून अगर खातून से बात करती तो उसकी मेंटालिटी और उसके हालात और सब चीज़ों को समझते हुए जो है उनके सवाल के जवाब दे सकती है और उनको हेल्प आउट कर सकती है, तो उससे बहुत आसानी है। ग्वादर के जो खवातीन हैं खासतौर पर, वो वुमेन ताने से पहले मजबूरन को मर्दों के ताने में जाना पड़ता था या पड़ती थी, तो अब आप क्या समझती हैं और उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो जो है ना अपने इंसाफ लेने के लिए आप तक पहुँचे? अल्हम्दुलिल्लाह जब से ही जो है थाना ओपन हुआ है, फंक्शन होना स्टार्ट हुआ है, तब से मैंने नोटिस किया है कि पहले जो है वो एप्लीकेशन जो दूसरे थानों में जाती थी वो कम थी, और जब से तकरीबन डेली बेसिस पे मेरे पास दो या तीन एप्लीकेशन आती हैं, जो कभी अपने हमसायों के साथ छोटी छोटी बातों पे इनके इशूज होते हैं, कभी फैमिली मैटर्स होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हम यहीं पे ही उनके चेयरमैन और दूसरे बड़े उनके एरिया के लोगों के साथ मिलकर सॉल्व करवा लें, और क्योंकि ये बातें तो ऐसी होती हैं एक हफ्ते दो हफ्ते बाद ये लोग भूल जाते हैं, तो वो इशूज इतने मतलब इतने वजनी नहीं होते हैं कि उनको कोर्ट में जा जाए। तो उस हवाले से यहाँ पर जो है मैंने नोटिस किया है ये बहुत हेल्पफुल रहा है ताकि वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल और रहें हर खबर से बाखबर।